नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेजे नीमच के उमाहरा गांव में जमीन विवाद को लेकर जो हमला हुआ था उसमें घायल व्यक्ति जो है मदन लाल का अस्पताल में उपचार चल रहा है, जिसके बाद में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला तो दर्ज कर दिया लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसको लेकर आज पीड़ित का जो पुत्र है, घायल का पुत्र है नरेंद्र मेघवाल, उसके परिवारजन जो है बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी के नाम शिकायती आवेदन देते हुए मांग करी गई कि किस प्रकार से दोषियों पर पुलिस मेहरबान है। दोषियों ने पुलिस के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज करी लेकिन गिरफ्तारी नहीं करी, जिसके चलते आरोपी घर पर जाकर उन्हें धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। सर, मैं उमाहरा का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी को कम से कम 15-20 आदमी ने मिलकर मारा है और कल अकेले को पीटा उन्होंने और गंभीर हालत में अस्पताल में है ना। तो मैं हमारी पुलिस वाले ने कोई रिपोर्ट लिख ली, बाकी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो खुलेआम घूम रहे हैं और अभी भी मेरे को कोर्ट में धमकी दे रहे हैं वो कि तू रिपोर्ट तोक ले वरना तेरे बाप बच गया, बाकी तू नहीं बचेगा। ओम प्रकाश, किस बात का लेके विवाद? हम ये चाहते हैं कि पुलिस हमारी यो करे, निकाल करे कुछ भी, उनको अंदर डाले, उनको जेल में डाले। कल विवाद हुआ था। हम सर, हमारे खेती बाड़ी का लेके विवाद चल रहा है पुराना, तो वो उन्होंने उनका खेत बोने के लिए कम से कम 17-18 लोग तो बाहर से बुलाए, 4-5 लोग वो खुद है घर के। कौन लोग है मेन विवाद करने वाले, क्या नाम है? बगदीराम, भगवान लाल, मनीष, मनोहर, गुड्डी बाई और पूजा, ये 6 लोग हैं।